चार दिन से लापता वृद्ध का संदिग्ध हालत में मिला शव। जयकारों के साथ निकाली गई भक्तों ने शोभा यात्रा। थ्रेशर मशीन के शॉफ्ट में फंसकर महिला की हुई दर्दनाक मौत। रूपझर थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम सर्रा से गत चार दिनों से लापता एक 60 वर्षीय वृद्ध का शव गुरुवार की सुबह गांव के ही एक व्यक्ति के खेत में बने गड्ढे में संदिग्ध हालत में मिला है। परिजनों द्वारा मृतक की हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। मामले की सूचना थाना में मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक खेल सिंह पिता बोहरन पंद्रे 60 वर्ष ग्राम सर्रा निवासी का शव बरामद कर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हनुमान मंदिरों में सुबह से भक्तों की भीड़ लगी रही। लामता के हनुमान मंदिर में संगीतमय सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ किया गया और विधि विधान से हवन पूजन किया गया। तत्पश्चात बैंड बाजे और डीजे के साथ विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान जय श्री राम के जयकारों से लामता नगर गुंजायमान हुआ। शोभा यात्रा में राम भक्तों द्वारा जगह जगह तलवारबाजी कर अपने कर्तव्य दिखाकर ग्रामीण जनों का मन मोह लिया गया। वरिष्ठ नागरिकों द्वारा जगह जगह श्री राम भक्तों को जलपान कराया गया। लामता थाना अंतर्गत ग्राम टाका बर्रा निवासी देवकी बाई रनगिरे उम्र लगभग 45 वर्ष जाति लोधी खेत में गेहूं की पिसाई थ्रेशर मशीन से कर रही थी। लगभग 2 बजे अचानक मुंह में बंधा दुपट्टा थ्रेशर के सॉफ्ट में फंसने से पूरा शरीर सॉफ्ट में फंसने के कारण पूरा शरीर क्षतिग्रस्त होने से घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। थ्रेशर के सॉफ्ट में पूरा शरीर का पहने कपड़े एवं सिर का बाल सॉफ्ट में लिपटा देखा गया है। सूचना मिलते ही लामता पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर घटना का निरीक्षण करते हुए स्थल पंचनामा बनाकर मृतक शव की स्थिति को देख ग्रामीण जनों एवं परिजन की सहमति से घटना स्थल में ही शव परीक्षण कराया गया। शव परीक्षण कराकर शव को परिजनों के सुपुर्द किया गया। लामता पुलिस मर्ग कायम कर विवेचना कर जाँच में लिया गया। वो गेहूं पीसने के लिए ट्रैक्टर मालक को बुलाए थे, तो गेहूं पीसते पीसते अचानक वो सिर में कपड़े लपटा हुआ था, वो बेल्ट में फंसने से वो थ्रेसर की सबेट में फंस गई। टाका बरा में गेहूं निकाले हैं थ्रेसर में, जिसमें एक टाका बरा की महिला देवकी पति साहेबराम उसके अंदर साफ्ट में आ गए हैं, जिसके कारण उसकी साफ्ट में फंसने से उसकी मृत्यु हो गई है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस कार्यक्रम का आयोजन स्वास्थ्य विभाग एवं एम्बेड परियोजना कार्यकर्ताओं के द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया। जिला स्वास्थ्य समिति बालाघाट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे तथा जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर मनीष जुनेजा के निर्देशन में जिले में फैमिली हेल्थ इंडिया द्वारा गोदरेज के सहयोग से एम्बेड परियोजना का क्रियान्वयन जिला समन्वयक कंचन सिंह तथा कार्यक्रम सहयोगी महेश डहाते द्वारा मलेरिया उन्मूलन हेतु किया जा रहा है। अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में तेजी लाना थीम पर इस वर्ष यह दिवस मनाया गया। उन गांव में क्या है कि जहां पर चूंकि जंगलों में घूमते हैं, गश्त वगैरह लगाते हैं, वहां बजाते हैं, जिसके कारण से वो मलेरिया वहां पर उनको हो जाता है। और जहाँ हमने जितनी समस्त जो पुलिस चौकियाँ हैं, हॉक फोर्स की हैं, चाहे CRPF की हैं, चाहे कोबरा की, इन जगहों में हर जगह हमने अपने कैंप्स लगाए हुए हैं और वहाँ भी हमने सभी को पैरा चेक दिया हुआ है। और जैसे ही उनको जांच में निकलता है और सीधे अपने जबलपुर बालाघाट जिला चिकित्सालय आकर के भर्ती हो जाते हैं और अपना इलाज होता है, उनको स्वास्थ्य लाभ मिलता है।